अब यहाँ से गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नया वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूँ। अभी मैं यहाँ रोइंग पे हूँ और ये जो रोइंग का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का ये पार्क है, पार्क में मेरा छोटा बहन अंदर घूम रहा है, वो वहाँ पे करा रहा है। वहाँ तो यहाँ सुभाष बहादुर ऐसे घूमने के लिए आया है तो घूम रहा है, लेकिन ये बहुत मज़ा से बना के रखा है और फ्रेश, बहुत नीट एंड क्लीन है और सुबह सुबह हवा ताज़ा ताज़ा मिलेगा यहाँ। तो गाइस, जो भी मेरा चैनल बनाया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नो 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 डिप्लोमैन है, वो चीज़ तो दिखाएगा आप लोग को, तो देखते रहिए ना इस न्यूज को लास्ट तक। नमस्कार। वो ये भी बनाया है ना, ये भी बनाया है ना पति, तो मेरा वीडियो चैनल में तेरा कुछ बोल दो, क्या बोलो तो क्या बोलेगा। सुभाष भाई यहाँ बहुत फ्रेश होता है ये जो, और चिड़िया लोग भी बहुत है ये, क्योंकि पूरा गच्ची लगा कर रखा है, बड़ा बड़ा गच्ची लगा है ना, इसलिए उसका कारण से चिड़िया भी यहाँ भरती है और नीचे का को पूरा काट के खत्म करके रखा है, खटा हुआ है। अपना बोलो ना, अपना बोलते जाकर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज यहाँ घूमने आए हैं। हाँ बोल दो बोल दो, और बोलो ना। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है और बहुत सुंदर से पार्क है खेलने के लिए। अपना बोलो मालूम जी, क्या बोले। क्या नज़ारा है, इतना मज़ा है। और यहाँ अंदर एंट्री फी जो आपका ईच पर्सन 10 रुपीज़ लेगा यहाँ ना, क्योंकि ये फॉरेस्ट का जगह है तो इसको मेंटेनेंस करना, उसके बाद साफ सुथरा रखना और देखभाल करना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ तो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये फ्लावर और गच्ची भी इतना दाम दाम वाला लोग है और अच्छा वाला, जो क्वालिटी अच्छा वाला लोग है, इसलिए उसका कारण लेता होगा। ये गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट चीज़ तो आपको एंट्री फी तो लेता ही लेता है। तो गाइस, आप लोग अभी हम देखा है अनिनी रास्ता कहाँ से जाता है, तो रोकिए मैं सामने जाके दिखाऊंगा आप लोग को। अनिनी यहाँ से ऊपर होके जाता है, ये ब्रिज भी नया है, लेकिन 2 साल 3 4 साल ऐसे हो गया, ये पहले ब्रिज नहीं हुआ करता था, वो नीचे से नदी से पार करता था। ये नदी भी जब बारिश सीजन में बहुत बड़ा होता है, ये जगह का नाम दियो, पानी ना गिरेगा नीचे। हाँ उठा तो, पूरा उठा तो, पूरा उठाना, पूरा उठाना, थोड़ा से उठा सकते हैं। बच्चा लोग के लिए बहुत अच्छा चीज लोग बना के रख दिया है, और ये देखो ये लोग भी बच्चा लोग का है। हम भी ऐसे करके जाता हूँ, लगने वाला है। गाइस हाथी कैसे लगा, पतला हाथी, स्टेची वाला हाथी, मशीन तो पहले भी गया होगा ना। ओ ये इंटरेस्टिंग चीज वाला, ये देखो एक यामाहा मसी भी आदमी जी है, उसका रोबोट आदमी को नीचे में पैर भी है और ऊपर मसी है, और यामाहा पुराना वाला मॉडल को देखो, आदमी इंसान जैसे बना के रखा, रोबोट से पैर भी बना दिया है, और ये मसी तरह घुरा होता देखिएगा और इस तरफ काली है।
रुको रुको, मामा तेरा फोटो खींच ले। ये रहा फॉरेस्ट का रेस हाउस, क्या बोलेगा, सर्कल हाउस ना, सर्कल हाउस होता क्या? यहाँ पे फॉरेस्ट का बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग नीचे से आने से यहाँ रेस करता है, यहाँ से होता है। उसके बाद यहाँ से आनी नहीं जाना, जाने वाला लोग यहाँ से जा तो के आनी नहीं जाता है। धान लेता है अगर सुहाता सुहाता और पापा जब नया नया आते इसमें सुहा ना। वाह, हमने फोटो ठीक से खींच दिया। कौन सा वाला? तो मैसी अंदर अभी फॉरेस्ट का जो पार्क है उसको हम लोग एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाया। तो कैसे लगा कमेंट्स करना और शेयर करना और लाइक कर दीजिए। और मैं इस छोटा सा वीडियो को मैं यहाँ तक रखना चाहूँगा। और तब तक के लिए अगले ही ऐसा एक सुंदर और अच्छा वीडियो के साथ में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।